गांव मियागम करजन टू चोरंडा ट्रेन में सफर कर रहे हैं। मियागम करजन से चोरंडा 9 किलोमीटर की दूरी पर है। इस 9 किलोमीटर के अंतर में एकमात्र स्टेशन आता है, बरथाली स्टेशन। मियागम करजन से हमारी यादगार सफर शुरू हुई। हम यहाँ सुहानी सफर करने आए हैं। यात्रियों को टिकट लेने जाने के लिए प्लेटफॉर्म पर जाने की जरूरत नहीं पड़ती, टिकट ट्रेन में ही मिलती है, जिसे बेहतरीन सुविधा मानी जाती है। गाड़ी का इंजन 15 से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ी के डिब्बों को आगे ले जाता है। नैरोगेज ट्रेन एक ऐतिहासिक विरासत है। GBSR यानी कि गायकवाड़ बड़ौदा स्टेट रेलवे, जिसे गायकवाड़ के बड़ौदा राज्य रेलवे के रूप में जाना जाता है। देश में पहली नैरोगेज रेलगाड़ी दबई से मियागम करजन शुरू हुई थी। इस नैरोगेज रेलगाड़ी को बड़ौदा के महाराजा खंडेराव गायकवाड़ द्वारा 1862 में बड़ौदा राज्य में शुरू किया गया। उस समय गाड़ी के डब्बे खींचने के लिए इंजन का नहीं बल्कि बैलों का इस्तेमाल किया जाता था। 1873 के बाद महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ के शासन के दौरान रेलवे के नेटवर्क का और विस्तार किया गया और 1873 में बैलों को हटाकर लोकोमोटिव इंजन से बदल दिया गया और इसीलिए लाइन को मजबूत रेल के साथ बदल दिया गया। 1933 तक इस ट्रेन को सिस्टम इंजन खींचता था, अब डीजल इंजन से चलती है। और तब से ट्रेन में सफर करने वाले छोटे छोटे गाँव के लोगों की जीवादोरी बन चुकी है ये गाड़ी। गायकवाड़ बड़ौदा स्टेट रेलवे अब पश्चिम रेलवे का हिस्सा बन चुकी है। बाद में 1951 में गायकवाड़ बड़ौदा स्टेट रेलवे और मुंबई बड़ौदा सेंट्रल इंडिया रेलवे जैसे अन्य क्षेत्रों के साथ विलय कर पश्चिम रेलवे का गठन किया गया। इस नैरो गेज डिवीजन को लगभग 150 से ज्यादा साल हो चुके हैं। जाने के लिए रवाना होती है। लगभग 1:10 पे चोरंडा पहुंचती है और दोपहर 1:30 चोरंडा से वापस मियागम करजन जाने के लिए रवाना होती है और 2:00 मियागम करजन पहुंचती है।
चुरंडा से ये सीधी रेलवे लाइन सीनोर और मालसर तक जाती है। चोरंडा स्टेशन पर ट्रेन का इंजन वापस बेगम करजन जाने के लिए लगाया जा रहा है। यहाँ से रेल की दो लाइनें जाती है, एक मोटीकोरल तक, दूसरी मियागम करजन तक। मियागाम करजन के इस नैरो गेज गाड़ी की यात्रा कैसी लगी जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो जल्दी मिलते हैं और एक सुहाने सफर पर नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।